हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार के की हर अपडेट हम आपको टीवी का पटाका के जरिए देते हैं। और अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। वेल, ये तो आपको पता ही है कि लड़का देखने आ चुका है सभी को, और जैसे तैसे सभी पहुंच जाएगी अब घर पर। भवानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, इसलिए सभी सज धज कर एकदम हिंदुस्तानी नारी बनकर साड़ी पहनकर आ जाएगी। सभी को देखकर लड़के वाले खुश होंगे और वो यहाँ पर उससे कभी चलने को कहेंगे, कभी उसके दांत देखना चाहेंगे तो कभी उसके बाल चेक करेंगे। सभी इरिटेट हो जाएगी और सभी बड़ा कदम उठाएगी। सभी कहेगी, चलिए आपको मैं गाना नहीं डांस करके दिखाती हूँ, और ऐसे में वो चिकनी चमेली पर डांस करेगी। ये देखकर लड़के वाले खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, ये कैसी लड़की है। और शांता भाई भी गुस्सा करने लगेगी और यहाँ पर भवानी को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी, सभी ये क्या बदतमीजी है। जिस पर सभी खोलने वाली है लड़के की पोल। जी हाँ, सभी बताने वाली है कि ये लड़का नशे का आदी है। आप लोगों ने महसूस नहीं किया क्या कि जब ये कप पकड़ता है, ग्लास पकड़ता है, तो इसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि इसको नशे की लत है, नशे की बीमारी है। और इसने आप लोगों को ये बताया नहीं, ना ही इनकी माता जी ने बताया। हाँ, ये तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि मेरे दांत, मेरे बाल, मेरी चाल, मेरे पैर, मेरे हाथ कैसे हैं और मैं खाना कैसे बनाती हूँ, लेकिन अपनी औलाद को नहीं देखेंगी ये। ऐसे में पूछेगी भवानी शांता से कि शांता ऐसा है क्या। शांता लड़के वालों से कहेगी, बताइए ऐसा है क्या। ऐसे में लड़के की माँ अपना सर झुका लेगी और कुछ नहीं बोलेगी और भवानी गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। जी हाँ, भवानी को इतना गुस्सा आ जाएगा क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती महसूस होगी और वो कहेगी कि आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला, और वो खिंचा कर जोरदार तमाचा जड़ देगी लड़के की माँ के मुंह पर और उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। लड़के वाले चले जाएंगे, जिसके बाद भवानी सभी को कहेगी कि तुम्हें पता कैसे चला था। सभी कहेगी कि जब आपने मुझे बताया था कि ये लड़का है तो मैंने इसकी पूरी छानबीन करवा ली थी। वेल, सभी की इतनी अवेयरनेस देखकर भवानी खुश तो होगी, लेकिन कहेगी, कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़के को देखूंगी। जिसके बाद सभी उसको समझाने की कोशिश करने वाली है और बोलने वाली है कि अजी, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, मुझे मेरे सपने तो पूरे करने दीजिए। लेकिन अब देखना होगा कि भवानी सभी की बातों में आएगी या नहीं। आपको क्या है लगता, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।